जो डेवियंट केस सैम्पलिंग है बेसिकली इस केस इस सैम्पलिंग टाइप में हम जो अनयूजुअल, एक्सट्रीम किस्म के केसेस हैं या आउटलायर हैं उस पर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमैन ये डेवियंट सैम्पलिंग क्या है ही सेस अ नॉन रैंडम सैम्पलिंग स्पेशली यूज बाय क्वालिटेटिव रिसर्चर्स इन विच रिसर्चर सेलेक्ट्स अनयूजुअल अनयूजुअल आर नॉन कन्फर्मिंग केसेस परपजली एज अ वे टू प्रोवाइड इनक्रीज इनसाइट इन टू सोशल प्रोसेस आर सेटिंग बाज़त बड़े एक्सट्रीम किस्म के केसेज हैं टैबूज के केस हो सकते हैं जहाँ टैबूज की वायलेशन हो समाइम uh, रेप uh, के केसेज हो सकते हैं जहाँ ना सिर्फ एक क्रिमिनल uh, रेप uh, में इन्वाल्व हो रहा है बल्कि मर्डर भी कर रहा है आ, साथ में बाजुकात तीसरी चीज़ भी जैसे सियालकोट में मोटरवे वाला किस्सा आपने अक्सर पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट हुआ आ, उसके मुताबिक ये है कि ना सिर्फ वो क्रिमिनल्स ने पैसे लूटे रेप किया बट दे इंटेंडेड टू हैव अ काइंड ऑफ अटैम्प्ट मर्डर एज़ वेल जैनब कत्ल केस हमारे सामने हैं जहाँ क्रिमिनल्स ने वो एज ए सीरियस किलर क्रिमिनल अब ये ऐसे इंसिडेंट बहुत रेयर होते हैं सम सेलेक्टेड केसेस में होते हैं लेकिन ये हैं ये इसको अगर नॉन क्वांटिटेटिव रिसर्च की लैंग्वेज में कहें तो ये आउट हैं आउट एक किस्म का ये जो शेप बनती है इसके अंदर एक्सट्रीम केसेस जो नॉर्मल कर उससे या बहुत ज़्यादा ऊपर हैं या बहुत ज़्यादा नीचे हैं तो ये उस तरह की कैटेगरी है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर कि जो जो बिल्कुल ही नॉर्मल रूटीन से हटके अगर नॉर्मल रूटीन से होंगे तो फिर आप परपसिव सैम्पलिंग कन्वीनियन सैम्पलिंग या इस तरह की कोई यूज़ करेंगे आ, या स्नोबाल सैम्पलिंग यूज़ करेंगे लेकिन ये बिल्कुल ही उस रूटीन से हटके हैं और इसकी वजह से इस तक एक्सेस बड़ी डिफ़िकल्ट है इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो सकता है कि जो हाईली रेडिकलाइज पॉपुलेशन है जो सुसाइड बम्बर्स हैं वो एक किस्म के एक्सट्रीम केसेस हैं नो बॉडी नो नॉर्मल वांटेड टू बिकम सुसाइड बम्बर व्हाई दे बिकम सुसाइड बम्बर तो उसके लिए उसको स्टडी करनी है क्योंकि ये भी सोसाइटी के अंदर आउट हैं जो ना सिर्फ अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली बल्कि दूसरों की जिंदगी अनफॉर्चुनेटली उनको भी लेना चाह रहे हैं या सोसाइटी से बदला लेना चाह रहे हैं या सर्टेन पर्पज मोटिवेटेड होते हैं अमेरिका के अंदर जो अक्सर स्कूल्स के बाहर शूटिंग्स होती हैं इवन सम ऑफ़ द केसेस वर आल्सो रिपोर्टेड इन वेस्टर्न जर्मनी जहाँ वन ऑफ़ द लीनिक सोशोलॉजिस्ट विलम हार्ट मायर ने स्कूल uh, शूटिंग्स के ऊपर uh, जब स्टडीज़ की तो उसने uh, जो सम आइडेंटिफाई किए उनमें से राइट विंग एक्सट्रीमिज़म जो है वो एक था कि जो लोगों के अंदर अपनी रेस की हाईली मोटिवेशन अपनी रेस को या अपने लोगों को आ, का नोशन यूज़ करते हुए कि वी आर द सुपीरियर आ, रेस और ये दूसरे लोग इधर उधर से जो आ जाते हैं हमने इनको यहाँ से इनका खात्मा करना है या जैसे आ, कुछ अर्सा पहले न्यूज़ीलैंड के अंदर आ, मस्जिद से बाहर इंसीडेंट रिपोर्ट हुआ हालांकि न्यूजीलैंड इज़ रिलेटिवली अ पीसफुल कंट्री और लोग अगर वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ तो कितने लोग थे जिन्होंने आके ना सिर्फ मस्जिद के बाहर बैठ गए बल्कि उन्होंने वहाँ मुसलमानों को ना सिर्फ प्रोटेक्शन की बल्कि उनको सीने से लगाया कि नहीं जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए इवन जर्मनी के अंदर जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट थे कोलोन के अंदर आपने अगर न्यूज़ मीडिया में पढ़ा हो तो वहाँ कोलोन के अंदर एक चर्च को मुसलमानों ने खरीद के मस्जिद बनाना चाह तो वेंड, राइट राइन राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो आगे आ उन्होंने ऐलान किया कि हम आ, प्रोटेस्ट करेंगे जब वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए तो नॉर्मल पापूलेशन मिसाल के तौर तो पर प्रोटेस्टर्स वर वन थाउजेंड तो नॉर्मल पापुलेशन वाज फोर फाइव थाउजेंड तो था। उन्होंने ह्यूमन चेन बना के कहा कि नो यू कैन नाट डिस्टर्ब द मुस्लिम्स तो ये ऐसे ये एक किस्म की डेवियंट केसेज होते हैं आ, ये नॉर्मल सोसाइटल पैटर्नस को ज़ाहिर नहीं करते ये एक किस्म के वो केसेस हैं जिनको सामने रखते हुए आ, हम ऐसे बाज़ रिसर्चर्स टॉपिक लेते हैं जो डेविएंट केसेस के लिए होते हैं और ये बड़े अनयूजुअल केसेस हैं आउटलायर्स को आप स्टडी करते हैं आ, आ, इसकी आ, बहुत ही एक्सट्रीम केसेस होते हैं और ये कोई नॉर्मल किस्म की सैम्पलिंग uh, नहीं है नॉर्मल सैम्पलिंग में हम uh, जैसे कन्वीनियंट सैम्पलिंग है या परपजेव सैम्पलिंग है बल्कि जो इसमें अब नॉर्मल किस्म के केस ख़ास तौर पर मैंने जैसे आपको बताया कि सीरियल मर्डर्स के केस में या ऐसे टॉपिक जो सीरियल मर्डर को स्टडी करने के लिए कंडक्ट uh, की जाती हैं इन डेफ्थ इंटरव्यूज़ सुसाइड बम्बर्स को स्टडी करने के लिए या आप अगर हाईली सेंसटिव चाइल्ड रेप के केसेस uh, या जैसे सियालकोट uh, मोटरवे का इंसिडेंट हुआ तो इन को स्टडी करने के लिए आपको डेविएंट केस स्टडी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट और उसकी आपने लॉजिक प्रोवाइड करनी लॉजिक क्या है लॉजिक नंबर वन कि ये नॉर्मल केसेस नहीं है दे आर एबनॉर्मल तो इसलिए इसके लिए डेविएंट केस वुड बी वन ऑफ द एग्जांपल यहाँ मैं एक और बड़ी वजाहत करता चलूँ कि ये जनरली डेवियसी से रिलेटेड होते हैं क्रिमिनलिटी से रिलेटेड होते हैं ये दूसरे टॉपिक्स भी हो सकते हैं आ, लेकिन ये या मिसाल के तौर पे आपने अगर सिंपल कोई एक टॉपिक लेना है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सर्टेन एरियाज़ में क्यों है क्यों चंद लोग ही आगे क्यों निकल बिल गेट ही क्यों आगे निकल गया या मलिक रियाज़ ही क्यों आगे निकल गया दूसरे लोग क्यों नहीं आगे जा सके तो ये भी एक किस्म के आउटलायर्स हैं डेविएंट केस हैं छोटे लेवल से निकलते हैं सर्टन स्किल्स और मैं तो कहता हूँ किस्मत उसको इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला उनको ख़ास देते हैं और वो फिर आगे चले जाते हैं लेकिन बहुत सारे लोग उससे लादमी कर सकते हैं कि हाउ दे कैन दम हैव एन अपॉर्चुनिटी बाय लर्निंग सम स्किल्स या कोई ऐसा काम करते हो तो ये आउटलायर्स हैं ये डेवियट केसेज़ हैं एक और एग्जांपल हो सकती है मिसाल के तौर पे कि एक फैमिली बिल्कुल इलिटरेट है पावर्टी रिडन है यानी गुर्बत ने डेरे डाले हुए हैं लेकिन वहाँ से कोई एक बच्चा निकलता है आ, वो आ, बिलीनियर बन जाता है ज़ाहिर ऐज़ ए मुस्लिम तो हम बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला ने उसको किया लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी उसने स्ट्रगल भी छोटी मोटी की होती है ज़्यादातर अल्लाह ताला की हम एज ए मुस्लिम बिलीव करते हैं बट एज ए रिसर्चर यू कैन ऑल्सो फाइंड इट या एक बच्चा बिल्कुल पॉवर्टी रिडन होता है और फिर वो स्ट्रगल करते हुए ना सिर्फ पी कर जाता है हालांकि उसकी फैमिली में कोई दूसरा सेकंड पढ़ा लिखा ही नहीं है मेडिकल डॉक्टर बन जाते हैं इंजीनियर बन जाते हैं या एक्सेप्शनल केसेस में आईटी एक्सपर्ट बन जाते हैं मीडिया एंकर्स बन जाते हैं राइटर्स बन जाते हैं क्रिएटिव राइटर्स बन जाते हैं तो ये नोबेल लॉरेट्स बन जाते हैं तो ये जो एग्जांपल्स हैं इनको स्टडी करने के लिए भी डेवियंट सैम्पलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे बट मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे वर्ड से ज़ाहिर डेवियंसी को इसमें स्टडी uh, किया जाता है